गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्टैंडर्ड प्लस टू, सब्जेक्ट इंग्लिश, बुक नेम फ्लेमिंगो, एंड लेसन टुडे इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन ऑफ द लाइफ। टू गेन एवरीथिंग फ्रॉम दिस लेसन, द नेम ऑफ द लेसन इज द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप, जिस प्रकार हम माउस को पकड़ने वाली चूहा दानी। द राइटर सलमा लैगरलोप। राइटर यहाँ बताना चाहता है कि द होल वर्ल्ड, यानी ये पूरा संसार, जस्ट लाइक ए रेड ट्रैप, इस चूहे दानी की तरह ही है। जस्ट लाइक ए रेड ट्रैप मीन्स हर कोई व्यक्ति परेशानियों से, हर कोई व्यक्ति अपने कार्यों से, हर कोई व्यक्ति अपने जिम्मेवारियों से, चूहे दाने में जिस प्रकार चूहा फंस जाता है, बाहर नहीं निकल पाता, उसी प्रकार इस पूरा संसार इस चूहे दाने की तरह बन गया है। और सबसे बड़ा रीज़न इस चूहे दाने और रेड ट्रैप के कारण ही कोरोना वायरस आया है। रीज़न क्या बताते हैं? चूहा अपनी मर्जी से नहीं जाता। चूहा जब पिंजरे के अंदर, वो चूहे दानी है, उसके अंदर कोई ब्रेड, रोटी का टुकड़ा या अन्य कोई ऐसी ललचाई चीज़ उसमें देखता है तो वो उस चूहे दानी में फंस जाता है। इसी प्रकार मनुष्य भी इस संसार में जिन जिन चीज़ों को देखता है, उसके मन में लालच पैदा हो जाता है और उसको प्राप्त करने के लिए कार्य ना करके उसकी इच्छा दिन रात करता है और वो फंसता चला जाता है। एक जिस प्रकार छोटी सी कहानी थी कि एक व्यक्ति नौजवान बड़ा परेशान रहता था, वो संत के पास गया कि मुझे शांति कैसे मिलेगी। तो संत ने कहा कि एक मात्र चूहा पाल लो, आपको शांति मिल जाएगी। अब संत ने कहा तो उस व्यक्ति ने चूहा पाला और उस चूहे ने क्या किया, एक दो दिन में घर में कुछ कपड़े थे और थे, उनको कुतर दिया, क्योंकि उसकी फितरत है। अब किसी दूसरे व्यक्ति ने उसे राय दी कि चूहे का इलाज एक बिल्ली हो सकती, बिल्ली पाल ले। तो उसने बिल्ली को पाला, अंडरस्टूड है, बिल्ली ने चूहे को खाया और थोड़े दिन के बाद बिल्ली भूख से व्याकुल होने लगी। तो किसी व्यक्ति ने कहा कि अब आप एक गाय पाल लें ताकि बिल्ली को दूध मिल जाए। उस व्यक्ति ने गाय पाली और अच्छा सा खासा उसका गुजारा होने लगा। घर और बाहर का कार्य होने के कारण गाय को चारा डालने में दिक्कत आ रही थी, तो उसको किसी व्यक्ति ने एक राय दी कि आप अब घर बसा लें, अर्थात शादी कर लें, आपके पास मकान भी हो गया, गाय भी हो गई है, घर का खर्चा भी ठीक ठाक है। और उसने शादी की। वो शादी करने के बाद में वो गाय के, अपने घर के होने वाले बच्चे के, यानी कि जस्ट लाइक एक ट्रैप, रेड ट्रैप में इतना फंस गया कि शांति की बात करना दूर की बात हो गई। और कुछ साल के बाद जब वो संत के पास गया तो संत ने पूछा कि शांति मिली, तो उसने कहा कि जिस दिन मैं आपके पास आया था वो वाली शांति भी मेरी छिन गई है। सो लेट अस स्टार्ट, व्हाट इज़ द स्टोरी, द रेड ट्रैप, सलमा लैगरलोप। दिस स्टोरी इज अबाउट ए पुअर मैन हु मेड स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो छोटी छोटी चूहेदानी की वायर बेचता था, या छोटे छोटे चूहेदानी या बक्से बेचता, जिस तरह गाँव में आपने देखा होगा बहुत से फेरी वाले इस प्रकार का सामान बेचकर अपना गुजारा करते हैं। ही वांडर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सेलिंग दीज रेड ट्रैप्स, और वो एक गांव से दूसरे गांव इन चूहेदानियों को बेचने के लिए वांडर्स घूमता रहता था। बट वांडर्स होता है जिसका अपना कोई मकान ठिकाना नहीं होता। बट ही डज नॉट अर्न थ्रो टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर, लेकिन वो इतना नहीं कमा पाता था कि अपना वो गुजारा ठीक प्रकार से चला सके। सो ही टैक्स बैगिंग एंड पीटी थीवरी, वो कभी कभी भीख भी मांग लेता, छोटी मोटी चोरियाँ भी कर लेता। ही टेक्स ए वेरी फनी व्यू ऑफ हिज बिजनेस, और अपना जो व्यापार था, जो जिस तरह फेरी वाला अपना व्यापार करता है तो उसमें एक आनंद भी होता है। ही बिगेंस टू थिंक दैट द होल वर्ल्ड इज ए बिग रेड ट्रैप। जिस जिस घर में, जिस जिस गाँव में, जिस मोहल्ले में उसने देखा और महसूस किया कि ये पूरा संसार ही चूहेदानी की तरह है, ना केवल वो फंसा हुआ है बल्कि पूरा संसार फंसा हुआ है,
All the things of comfort and luxury are mere baits for men. क्योंकि ये सभी जो आराम देने वाली चीज़ें, संतुष्ट करने वाली चीज़ें मनुष्य को लालच की ओर धकेलती है. When anyone tries to touch these beats, हर कोई जब इन चीज़ों की ओर बढ़ता है, लालसा पैदा करता है, the rat traps close on in on him, तो वो चूहे दानी की तरह उसमें फंस कर रह जाता है, यानी कि इस भौतिक संसार के अंदर अपने आप को खो देता है. आपने देखा होगा कि इससे पहले, यदि 2-3 महीने पहले किसी भी इंसान से बात करें तो हर इंसान कहता था उसके पास टाइम ही नहीं है. और जब प्रकृति ने बताया कि आपके पास बहुत सा टाइम है, तब मनुष्य की थोड़ी जागृत हुआ. देन एवरीथिंग कम्स टू एंड, तब प्रत्येक चीज़ समाप्त की ओर आने लगती है. द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम, ये संसार आमतौर पर मनुष्य जो आम है उनके प्रति कभी भी दयालु नहीं रहा. सो इट गिव्स हिम जॉय टू थिंक इल ऑफ द वर्ल्ड इन दिस वे, इस प्रकार उसे इस संसार का बीमार होना, यानी कि इस संसार के अंदर जो लोग चिंताग्रस्त है उसके बारे में सोचने पर वो मजबूर हो जाता है. इवन वेन ही स्टील्स द ओल्ड क्रॉफ्टर्स, क्रॉफ्टर्स एक किसान, एक जमींदार है, एक बुजुर्ग व्यक्ति है. 30 क्रोनोर, 30 क्रोनोर का मतलब ये कोई मुद्रा है, हम मान सकते हैं कि जैसे इंडियन करेंसी 30,000 रुपये. तो एक बार वो क्या करता है कि एक बूढ़ा जमींदार खेत में किसान उसके पास ठहरता है, क्योंकि फेरी वाले रात को रुक जाते हैं, और वो उस किसान के 30,000 रुपये अपने इंडियन करेंसी उसके घर से चुरा लेता है. ही फील्स नो प्रिक्स इन हिज कॉन्शियस, उसमें आत्मा में प्रिक्स यानी किसी प्रकार की उसकी आत्मा उसे धिकारती नहीं. बट एट लास्ट द फीलिंग ऑफ क्वाइट्स रिमेन्स विद हिम, लेकिन इस प्रकार की भावनाएं उस पर जागृत रहती है. व्हेन इडला, इडला एक लड़की का नाम है, इसके बाद वो घूमता घूमता एक सोज लव एंड सिम्पथी टू हिम, किसी एक लोहे का कारखाना यानी कि उसके अंदर रात को गुजारता है, उसकी बेटी इडला है, वो इडला उसे प्यार, एक सहानुभूति उसके साथ प्रकट करती है. ही रिपेंट्स एट हिज डीड, और उसने जो कार्य किया था उस बूढ़े वो किसान के जो पैसे चुराए थे उससे क्या करता है कि उसे तकलीफ होती है, उसे पछतावा होता है. हिज गुडनेस इज अवेकंड, उसमें अच्छाइयाँ जागृत हो गई. ही लिव्स द मनी एंड रिक्वेस्ट इडला टू रिटर्न इट टू द ओल्ड मैन, वो धन उसी इडला के घर पर सुबह जाने से पहले छोड़ देता है और रिक्वेस्ट करता है कि बेटे ये जो पैसे मैंने चुराए थे ये उस बूढ़े किसान को दे आए. दस वी फाइंड दैट द पुअर ट्रैप पेडलर इज नॉट ए क्रिमिनल, इस प्रकार हम पाते हैं कि पूरे संसार के या पूरे देश के जो गरीब लोग ये फेरी वाले हैं सभी क्रिमिनल नहीं हैं. समय और मजबूरियां उनसे काम कराती. ही इज़ ओनली ए विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसिस, परिस्थितियों के कारण ही इंसान कोई ना कोई बुरा कार्य करता है, आमतौर पर 90%. दिस स्टोरी जस्ट लाइक ए स्टोरी ऑफ द थीफ स्टोरी यू हैड रेड इन 10th स्टैंडर्ड, कि किस प्रकार एक 15 साल का चोर जो 15 साल से अपने कार्य में लगा हुआ था और अनिल के पास आने से एक अच्छा इंसान बन जाता है, बुरे कार्य छोड़ देता है. तो इसी प्रकार ये फेरी वाला भी जब एक बूढ़े किसान के घर रुकता है तो उसकी अच्छाइयाँ देखता है, और उसके बाद में एक लोहे के कारखाने में इडला का पिता उसे रात को आश्रय देता है, और वो इडला एक छोटी बेटी उसके प्रति जो सहानुभूति और प्यार दर्शाती है तो उसमें भी अच्छी भावनाएं जागृत आती है, और जो उसने पैसे चुराए थे वो वापस उस किसान को लुटाने के लिए दे देता है. तो सो दैट दिस स्टोरी इज रैट ट्रैप. रैट ट्रैप मीन पूरा संसार, पूरे इस भौतिक संसार के लोग यानी कि चूहे दाने की तरह हर समस्या से जकड़े हुए रहते हैं, खुद के सोचने के बारे में उनके बारे में बहुत ही कम समय ले पाते हैं. जैसे आपकी एक पोएम कीपिंग क्वाइट वो भी थी, और उसमें भी बताया कि हम थोड़ा समय के लिए यदि अपने बारे में जाने, परिवार के बारे में जाने, संसार के बारे में जाने, तो बहुत सी अच्छाइयों को अडेप्ट कर सकते हैं. थैंक यू ऑल ऑफ यू.